मंदिर, अटरिया मेला, अटरिया माता मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है। तो आज है इतवार और आज हम जा रहे हैं अटरिया मेला प्रसाद चढ़ाने माता के। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, मैं ही रह गया था लेट हो गया, तो अब चलते हैं अटरिया मेला। चलिए, अभी टाइम हो गया 7 बजे हैं और चलते हैं मेला। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी आ चुके हैं मंदिर और आपको दिखाते हैं। दोनों लोग चल रहे हैं अंदर, आगे मंदिर आगे आगे भाग रहे हैं। ये है आगे से कैसे हो गाइस। ये देखिए ये पूरा मेला लगा और ज्यादा मेला लगता था, अब तो बहुत ही कम लग रहा है। पहले की तरह नहीं है, पहले क्योंकि अब घर बन चुके हैं यहाँ पे, उसके चक्कर में मेला कम लग रहा है। तो अभी भी काफ़ी है, तभी ये देखिए दिखाते हैं आपको और मेला। इधर से तो जाएंगे कहाँ है, यहाँ मंदिर है। तो अभी ये देखिए यहाँ से प्रसाद लेते हैं, ये आगे मंदिर है, लाइन काफी लगी है। तो हर साल लगता है यहाँ पे मेला, माता जी का अटरिया मेला के नाम से प्रसिद्ध है, अटरिया माता के नाम से प्रसिद्ध है। काफ़ी भीड़ है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, शायद 4-5 दिन और रहेगा, उसके बाद माता जी चली जाएंगे यहाँ से। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, पूजा अंदर तो फोन ले आना अलाउ नहीं है, तो अभी अंदर चलते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए प्रसाद चढ़ा के फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। मंदिर अटरिया मेला, अटरिया माता मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी भीड़ लगती है, आज इतवार है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि काफ़ी मानी हुई माता है ये। दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है और अब आए हैं अपने वहीं पर दुकान पे, अपनी वाली। तो हमारे घर के बगल में रहते हैं तो उनकी दुकान है ये, तो वहाँ पे आए हैं, प्रसाद लिया है अभी यहीं से और फिर प्रसाद चढ़ाए हैं। और काफ़ी भीड़ है, आज इतवार है तो अब चलते हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ जाएं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो देखते हैं शाम को मेले में आएंगे, देखते हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। आपने मंदिर देख लिया होगा, मंदिर दिखाने वो नहीं मिला, तो अंदर से तो माता को नहीं दिखा पाए, लेकिन बाहर से तो आपको दिखाई दिया। तो बहुत ज़्यादा ही फेमस माता है ये, तो बहुत मानी हुई हैं, तो पीपल महाराज हैं यहाँ पे, सब कुछ है, सारी माता है। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे सब और यहाँ सब प्रसादों की दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे। अरे इधर से चल लो, इधर से चलो, इधर चलो। अभी ले रहे हैं हलवा पराठा यहाँ पे, तो गाइस हमारी गाड़ी ये खड़ी है और गाड़ी तो मैं यहाँ पे खड़ी करके चले गया था, पार्किंग तो काफ़ी आ गया है और अभी वो सब लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, और अभी चलते हैं वन देवी की तरफ। हाँ अकबर, तो वन देवी की तरफ चलते हैं। गाड़ी मैंने इसलिए यहाँ पे खड़ी करी थी, पार्किंग बहुत आ गया है, तो चलिए। और यहाँ पे तो कहीं पे भी खड़ी कर दो, कोई वो नहीं, यहाँ काफ़ी घर बन गए हैं।
पे आए हैं वन देवी माता का मंदिर, और वन देवी आए हैं, वन देवी के नाम से फेमस है यहाँ। तो अब तो काफ़ी झाड़ हो गया, यहाँ पहले सही था, सब कटा हुआ था। यह है वन देवी मंदिर। और ये सिडकुल के बीच में ग्रीन पार्क, ग्रीन प्लाईबोर्ड के पास में है मंदिर। ये वन देवी मंदिर है। और पूरा ही देखिए, हमने दर्शन कर लिए हैं, अट्रियम माता मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं और वन देवी जी के भी दर्शन कर लिए हैं। और अभी केसु उसु और खुशबू मम्मी भी सब दर्शन कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी बड़ा है यहाँ मंदिर, और तो दोनों के ही दर्शन करने बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे पीछे मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर है मेरे पीछे, वन देवी जी का मंदिर है। और अभी हम दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए, मेरे करना भी था, अभी माता यहाँ से गई नहीं है, माता अभी वैसे तो जल्दी चली जाती है लेकिन इस बार लेट है, वरना माता अब तक तो चली जाती है क्योंकि नौदुर्ग के 10 दिन तक मेला शायद रहता है, 10 दिन तक मेला रहता है नौदुर्गों के बाद। तो नौदुर्गों पे लास्ट नौदुर्ग ख़त्म होते हैं तो माता जी यहाँ पे आती हैं, तभी मेला चालू होता है और तभी से भीड़ लगना चालू हो जाती है काफ़ी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। और ये देखिए पेड़ बरगद का है पेड़, तो काफ़ी पुराना, बहुत पुराना मंदिर है ये। मैं तो कई बार, मैं कम से कम, लोग PSC में रहते थे तब से देख रहा हूँ मैं, और मैं छोटा सा था तब से ये मंदिर है, लेकिन पहले इस तरीके से नहीं था, खाली एक पेड़ था, पेड़ तो था ही है और बस खाली एक मंदिर बना हुआ था, इस तरीके से नहीं था। तो ये अब काफ़ी मंदिर बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा बना दिया है तो पहले से। तो चलिए अब फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं। तो चलिए अभी केसु और खुशबू बैठे हैं अपना धागा बनवाने के लिए। तो देखिए अभी मैं हूँ अपने कमरे में, अभी मेरी मेज बन रही है, अभी थोड़ा बिजली का काम रह गया वो भी हो रहा है, और केसु हमारी ये लेटी है, आपको अलग दिखेगी, ये मेरा कमरा है। तो ये देखिए भाई लाइट लगाई थी मेरी, तो अच्छी लगी है। तो अभी टाइम हो गया है आपका 10:30 होने वाले हैं, तो काफी शोर आ रहा होगा। तो गाइस केशु हमारी ये है, देखो केशु हाय। तो गाइस अभी दिखाते हैं आपको, मेरी मेज बन रही है तो दिखाते हैं आपको, चलिए बाहर चलते हैं। ये देखो गाइस मेरी इमेज बन रही है, थोड़ी रह गई अभी, कंप्लीट हो गई है वैसे। बिजली का काम रह गया, काफ़ी तेज धूप है और अभी काफ़ी तेज चल रही है, तो अभी थोड़ा सा रह गया मेज का काम और बाकी तो रह गया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना खाते हैं, भूख लग रही है, सुबह से खाया नहीं था। चलिए बहुत देर बनेगा, सिद्धार्थ शर्मा ऑन सेकंड पोजीशन, इंडिविजुअल को मिले 6 इयर्स, सिद्धार्थ शर्मा देखिए स्टेडियम है।
स्टेडियम के। एंजल और शैली को, शिवांगी को अवार्ड मिल गया है जीरो कराटे का। तो देखिए ये यहाँ पे स्टेडियम, रुद्रपुर स्टेडियम में अवार्ड चल रहा था फंक्शन, तो वहाँ मिला है। तो अभी फिलहाल चलिए अभी चलते हैं घर और घर पे दिखाते हैं। चलिए 7:45 हो गए हैं और मेरी मेज बन के तैयार हो गई है, बस थोड़ा बहुत हो रह गया उसमें काम। ये देखिए मेरी मेज बन रही है और खाली इसमें दरवाजे लगने हैं और बाकी सब हो गए, तो कल पूरा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ये 1 घंटा लगे बस, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, मेरा मेज तैयार हो जाएगी और यहाँ पे मेज रखूँगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो चलिए तो हमारा खाना आ चुका है और ये है दाल चावल बने हैं, तो दाल चावल खाते हैं और फिर मिलते हैं। और काफ़ी दाल चावल मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर दाल ही चावल बनते हैं घर में। और चलिए थोड़ी देर मिलते हैं। गाइस अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं और सारा सा काम हो चुका है और ये लोग तो केसू और उसकी अम्मी दोनों ऊपर सोएंगे, मैं तो नीचे सोता हूँ अपने बिस्तर पे। तो ये देखिए मैं नीचे बिछा हुआ है और टीपो हमारा ये घूम रहा है, ये देखिए टीपो, और ये भी एसी में ही सोता है ठंडी जगह पे, बाहर बहुत कम सोता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलिए आज के लिए बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।